आयता पहले ना उसका मेन मुद्दा यही आदमी है। बर्बर चौराहे बैठा हूँ। जब सच्चाई अपने आप को पता हो, सामने वाले से सफेद झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे बोले तो इतनी हंसी, मतलब ये हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। तुम मेरी वीडियो बना रहा है। सो गाइज, आज ना मुझे रात को मिला एक सरप्राइज, पर सरप्राइज देने वाली के ऐसी बैंड बजी है ना दिखाती हुई। हाँ, वो खुद सरप्राइज हो गया और बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आई इसमें। तो दिखाती हूँ कौन आया। वैसे बहुत सारे लोग जानते हैं कि कौन है वो, और बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो आ जा, इधर आ जा। तो गाइस, ये है देखो छोटू, इसको मेरे पुराने सब्सक्राइबर जानते हैं, नए नहीं जानते। नहीं, ये मेरे मामी का लड़का, ये रहता है गांव में। ये मुझे देने वाला था दो महीने पहले, टिकट निकाली थी ना। हो गया। तो क्या हुआ आपके साथ ये बताएगा, उसका नहीं बता। ये भैया पूरा खराब कर दिया, सरप्राइज हो गया। कैसे खराब हुआ? भैया ने किया। भैया कहाँ बताए? तो हुआ ऐसा कि ये दो महीने पहले इसने टिकट लिया था, फिर वो टिकट कैंसिल की, इसने नई टिकट बुक कराई। मेरे पतिदेव को पता थी। और ये जो ये पूरा फंसा, जो पूरा रायता फैला ना, उसका मेन मुद्दा यही आदमी है। क्योंकि इनको पता था दो महीने पहले से, मुझे नहीं पता था। और मुझे पता चला कल रात को, जो इनके मुँह से गलती से निकल गया कि छोटू की ट्रेन, देखो छोटू की ट्रेन लेट है ना, आपने ऐसा बोला था। तो मुझे पता चला उसके एक घंटा पहले, मुझे लड़के इससे बात हुई थी फ़ोन पे। तो पीछे आते हैं चाय वाला ट्रेन में, चाय बेचने, तो क्या बोला? ये बोला बगल में चौराहे बैठा हूँ। ऐसे मुझे पता चल गया। मैंने हम लोग दिन में बात की, तो अब मुझे भी पता है कि ये झूठ बोल रहा है। बस नहीं। अब जब सच्चाई अपने आप को पता हो, सामने वाले से सफेद झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे बोले तो इतनी हंसी, मतलब ये सोचता था मुझे नहीं पता। अच्छे के लिए झूठ बोला, अच्छा होता है। और मुझे लगा था कि इसको नहीं पता कि मुझे पता है। तो जो चीज़ें पूछूँ, कहाँ है तो मैं कॉलेज में हूँ, और क्या कर रहा है, मेरे यहाँ बारिश हो रही है, मेरे यहाँ लाइट नहीं है, ये लड़का मैं इसको नहीं बता सकती थी, क्योंकि इसका दिल तोड़ना ही चाहती थी। बेचारे बहुत बहुत एक्साइटेड था ये। मैं अगर बता दी इसको कि मुझे पता है तो दुख होगा। और मेरे पति ने बोला था उसको मत बताना, उसको मत बताना, क्योंकि उनके मुँह से गलती से निकला था। तो मुझे ना दोनों की लाज रखनी थी, दोनों की इज्जत रखने के लिए मैंने किसी को नहीं बताया। पर इन्होंने मुझे बोला कि तू ना झूठा रिएक्शन देना। जब रात को 12 बजे आया, मैं उसकी वीडियो थोड़ी सी क्लिप लगा दूंगी। रात को 12 बजे ये आया, बोला झूठा रिएक्शन देना, झूठू आ गया भाई। मुझसे तो हुआ नहीं, अब मैं मुझसे भी निकल गया कि हाँ मुझे पता था कि तू आ रहा। बेचारा थोड़ा सा सैड हो गया। कैसा रहा आपका सरप्राइज? मतलब चीजें नहीं पता हो तो कम दुख। जब मुझे पता है कि छोटू ट्रेन में है, अब छोटू मुझे बोल रहा है मैं चौराहे बैठा हूँ, तो इतना हंसी आ रही। मैं बोली छोटू बारिश हो रही है, वीडियो कॉल करती हूँ। बोलता नहीं नहीं, हमारे यहाँ लाइट नहीं है ना, तो अंधेरे में वीडियो कॉल नहीं होगा। अब मैं और हम और मेरे पति, हम दोनों खूब हंसे। बेचारा भी खुद आ रहा सरप्राइज देने, और सरप्राइज हो गया। सोचा चलो मस्त एक ब्लॉग बनाते हैं। चलो अभी एक लोग बाकी हैं, अगर वहाँ भी नया खबर पहुँचा दे तो। अभी ये दीदी क्या जाने वाला है, दीदी को सरप्राइज देने जाने वाला है। पर अभी दीदी को मैं फ़ोन लगाती थोड़ी देर बाद। तो इतनी हंसी, इतनी मज़ा आई ना, कि मतलब ब्लॉग क्या हो गया, ये फनी ब्लॉग एकदम। बेचारे के मेरे देवर का पोपट हो गया एकदम से। बहुत बहुत बहुत, मतलब वो दो महीने से लड़के ने छुपा के रखा था, एक छोटी सी गलती ने सब पानी कर दिया। तो नहीं, इन्होंने गलती से मुँह से निकल गया था। वैसे बोलते ना पॉजिटिव वे में बोले थे कि हाँ देखो उसका ट्रेन लेट होगा इस वजह से। मेरे पति की गलती कभी नहीं होती है, कभी नहीं होती है। नहीं, मेरे मुँह से निकला था। तुम्हारे मुँह से क्या निकला था? मुझे नहीं पता है। तो बहुत मजा आया कल, बहुत भैया पूछा, भाभी पता तो नहीं चला, भैया ही बड़े सफेद झूठ बोल रहे हैं। वहाँ पे
स्टेशन में पूछा भाभी कुछ नहीं खा जा रहा हूँ, ऐसे घर पे बोला आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ भैया एक बार पूछेंगे बंदा घर से 12:30 बजे घर में से निकल रहा है और ऐसे बोल के हाँ आता हूँ। और मैं जितनी बार भैया को फोन करूँ बोली लगाओ फोन लगाओ छोटू को देखो कहाँ पहुँचा है, कहाँ पहुँचा लेट है, गाड़ी कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं पहुँचा। तो बहुत मजा आई थी बेचारे का सरप्राइज, कोई बात नहीं बहुत खुश हुए बहुत मजा आया आ गया। बस अब फर्स्ट टाइम ये अकेले आया है गाड़ी अकेले आया है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। और सरप्राइज का तो वैसे क्या जनाजा निकल गया, सरप्राइज का निकला जनाजा छोटे बड़े भाई की वजह से। पर बहुत मजा आई बहुत। तब अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे छोटू के साथ में, कल हम लोग जा रहे कहीं घूमने, अभी बोले दीदी के पास फोन लगाऊंगी देखते क्योंकि करना है नहीं वहाँ नहीं बताऊंगी, जहाँ घूमने जाने वाले हैं तो उन्हीं का हाथ है वहाँ जाने में सबसे पहले देखते हमको जाएगा ठीक है। तो दीदी क्या जा रहा है दीदी को ना पता चले, तो बहुत मजा आया। थैंक यू छोटू इतना प्यारा सरप्राइज देने के लिए, थैंक यू सो मच। और आपको सरप्राइज रिवील करने के लिए थैंक यू। मुझे कोई सरप्राइज दे ही नहीं पाता, कुछ ना कहीं से मिल ही जाता है यार। आपकी नसीब में ना सरप्राइज है नहीं। आज तक तो कोशिश नहीं करूंगी इसकी। बहुत मजे कर रहे थे दिन को नींद नहीं आ रही थी। हां नहीं बहुत बहुत अच्छा सरप्राइज था, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वो नकली एक्टिंग मुझसे नहीं आई कि हाय छोटू आ गया, वो मेरे को दो बहुत मजा आई बहुत मजा आई। चलो आज का ब्लॉग बस यही पे एंड होगा और छोटू का बैंड तो ऐसे ही बच चुका है, छोटू दोबारा सरप्राइज प्लान नहीं करेगा, करेगा भी तो मेरे पति को उसमें इन्वॉल्व नहीं करेगा मुझे। मैं इस बार ना स्टेशन पे आके फोन करूंगा, जहर 100 कॉल लगाने के बाद एक कॉल उठे लेकिन स्टेशन पे आके फोन करूंगा भैया आ जाओ लेने। नहीं नहीं बहुत अच्छा तू आया, हम लोग बहुत खुश हो गए। अच्छा ये ना होता तो फिर ये हंसी मजाक कहाँ से। सचिन क्या बोला, सचिन बोला तू किसी को बता के नहीं जा रहा, मेरे पर हर घंटे लाइव लोकेशन भेजते रहे। बाप रे लड़का कहीं भूल ना हो जाए। 8 घंटे वाला लगाया था ना तो उसको 3 बार भेजा। चलो ठीक है चलो बाय बाय। बस छोटू को थोड़ा सा व्लॉग में जैसे व्लॉग में बैंड हो जानी थी कि छोटू को याद रहेगा हमेशा जब भी व्लॉग देखेगा तब, है ना। चलो बाय बाय।